फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई-शाला। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारे लास्ट लेक्चर का एक टॉपिक था, दैट वाज इनेबल एंड डिसेबल इंटरप्ट्स। तो हमारे जो इंटरप्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है और ये भी बताया है कि किस टाइप के इंटरप्ट्स होते हैं, कितने हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, हार्डवेयर इंटरप्ट है। तो अभी जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ये मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी बताया था, दैट आर इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग हार्डवेयर इंटरप्ट्स। तो ये जो इंटरप्ट्स होते हैं हम लोग यूजली जब बोलते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा जो स्टेप्स होता है वो यही बताता है कि हमारे जो इंटरप्ट्स है आप उसको यूजली अगर रन करते हो, लाइक अगर आपका कोई मेन प्रोग्राम रन हो रहा है और अगर इंटरप्ट आया है तो हमारे इंटरप्ट को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, राइट। बट जो हमारा इंटरप्ट वाला पार्ट है उसको कभी कभी रोकना भी पड़ता है। तो जो रोकने का प्रोसीजर है, जो रोकने का स्टेप्स है, या मैं बोलूँ एक तरीका है, दैट आर इनेबल और डिसेबल इंटरप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग हार्डवेयर इंटरप्ट्स, तो ये जो ज़रूरत है हमारा कि हमारे पास ज़रूरत क्या है, मतलब इनेबल और डिसेबल करने के काम क्या है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। और 8085 में ये काम कौन करते हैं, तो इनेबलिंग और डिसेबलिंग का जो काम है दैट आर डन बाई टू इंस्ट्रक्शंस, दैट इज़ ई आई एंड डी आई। ऑफकोर्स इसके लिए जो ऑपकोड होगा वो हमें पता होना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि आप ई आई लिखेंगे तो हमारा जो किट होता है वो हमें ऑपकोड दे देगा, राइट। तो अब मैं जैसे बात करूं कि इंटरप्ट्स की, तो मैंने बोला इनेबल और डिसेबल होता है, बट हमें जैसे पता है हमारे पास हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो है वो 5 है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ईआई और डीआई है वो हर इंटरप्ट पे काम नहीं करेगा। ये ईआई और डीआई के जो इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 4 हमारे जो इंटरप्ट है उस पर काम करते हैं, दैट आर आरएसटी 7.5, 6.5, 5.5 और आईएनटीआर। और ट्रैप पे ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी जो ट्रैप है उसे ईआई और डीआई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी लेट से आपने कहीं पे डिसेबल कर रखा है इंटरप्ट और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ट्रैप रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। ट्रैप को इनफैक्ट कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सिचुएशन एग्जीक्यूट होने से नहीं रोक सकती। अब अगर मैं बात करूं कि हमारा जो ईआई और डीआई है वो किस टाइप के इंस्ट्रक्शन है, तो दे आर इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन। इम्प्लाइड मतलब, मैंने आपको जब इंस्ट्रक्शंस का जो सेकंड चैप्टर था वहां पे भी बताया था कि इम्प्लाइड का मतलब होता है वो इंस्ट्रक्शन विद इन बता देता है कि हमें क्या करना है, यानी वो प्रोसेसर को अपने आप ही पता चल जाएगा। उसके आगे ना इंस्ट्रक्शन होता है, उसके ना आगे डेटा होता है, ना एड्रेस होता है, राइट। और इससे कोई भी फ्लैग इफेक्ट्स नहीं होते, यानी जो हमारे कंडीशनल फ्लैग्स होते हैं जैसे साइन फ्लैग, हमारा जो ऑक्सिलरी कैरी है उसमें से अगर ये इंस्ट्रक्शन दोनों रन हो रहे हैं, इन इंस्ट्रक्शन के रन होने से उस फ्लैग में कोई चेंज नहीं आएगा। और बाय द वे, अगर आपने जो हमारे इंस्ट्रक्शन के टाइप से नहीं देखे हैं, बेटर डू गो एंड विजिट चैप्टर नंबर 2 ऑफ 8085 प्लेलिस्ट, आपको सारे इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है वो पता चल जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो इंस्ट्रक्शन है क्या करते हैं, इनेबल और डिसेबल करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। बट इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन को करते हैं, एक एक इंटरप्ट करते हैं? नो, ये सारे के सारे ग्रुप को डिसेबल कर देंगे, ये सारे के सारे ग्रुप को फिर से इनेबल कर देंगे, एक्सेप्ट फॉर ट्रैप। यानी अगर लेट से कोई प्रोग्राम में मैंने ईआई लिखा या डीआई लिखा, तो उससे चारों के चारों जो इंटरप्ट है, आरएसटी 7.5, 6.5, 5.5 और आईएनटीआर, सारे के सारे एक साथ या तो इनेबल हो जाएंगे यानी स्टार्ट हो जाएंगे अगेन, या तो डिसेबल हो जाएंगे अगेन। एक चीज जो आप लोग पढ़ते नहीं है बट ध्यान में रखने की है कि जब हम इनेबल और डिसेबल करते हैं, लेट से मैंने कोई प्रोग्राम में डिसेबल किया है और हमारा जो इंटरप्ट है एट दैट टाइम आया, तो क्या वो कम्प्लीटली चला जाएगा, ये सोचने वाली बात है, राइट, या उसको रोक के रखेंगे? आप थोड़ी सी देर इस पे गौर कीजिए, जब तक मैं आपको आगे की स्लाइड समझा देती हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बोलूँ कि इंटरप्ट इनेबल और डिसेबल कर रहा है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि डिसेबल अगर होगा तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, यानी जब तक हमारे प्रोसेसर में डीआई इंस्ट्रक्शन रन में है, हमारा जो 8085 का एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, उसमें वो इंटरप्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और एक बार जब आप अलाउ करेंगे एंड देन इट विल थिंक कि भाई करना है कि नहीं करना है। जैसे मैंने कहा, सोचिए ज़रा ये काम कैसे करता होगा। अब अगर मैं इनको थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन कर दूं कि इनके स्पेसिफिक फॉर्मेट में, तो ईआई है, ऑब्वियसली नाम पता चल रहा है, इनेबल इंटरप्ट। तो ये क्या करता है, द इंस्ट्रक्शन इनेबल्स द इंटरप्ट सिस्टम, यानी ये इंटरप्ट सिस्टम को जब बंद था उसे वापस चालू कर देगा, और एग्जीक्यूशन वहां से कहां से चालू करेगा, हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वहां से।
तो अगर मैं बोलूं कि ईआई में हमारे क्या इंटरप्ट्स रिकॉग्नाइज होते हैं, यस, हमारे ईआई के दौरान हमारा जो इंटरप्ट सिस्टम है वो पूरा का पूरा फुली फंक्शनल होता है और उसके सारे इंटरप्ट्स उनकी अपनी प्रायोरिटी में रिकॉग्नाइज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है डिसेबल इंटरप्ट। तो डिसेबल में क्या होगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट, अब तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब हमारा इनेबल काम करते हैं वो सारों को चालू कर देता है, यानी इंटरप्ट अपने नॉर्मल फंक्शनैलिटी में काम कर रहे हैं, तो डिसेबल में क्या होगा, सारे के सारे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं। द इंटरप्ट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डीआई। तो ये हमें पता चल गया कि भाई ये कैसे हो रहा है। अब देखिए ये जो स्लाइड है ये बड़ी काम की है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर हमारा सेक्शन है ये हमारा एक एग्जीक्यूशन बता रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा मेन प्रोग्राम है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि कोई मेन प्रोग्राम है जिसके बीच में आप डीआई और ईआई यूज कर रहे हैं, तो लेट्स से मैंने डीआई लिखा, तो इस पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, जितने भी इंटरप्ट से वो फॉर टाइम बीइंग वहाँ पे अपना प्रोग्राम रन नहीं कर पाएंगे। ये समझना जरूरी है। जब मैं बोलती हूँ ना कि डीआई ने बंद कर दिया, इट डजेंट मीन कि वो इंटरप्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है या उनके सिग्नल नहीं ले रहा है। यहाँ पे कैसे होगा, लेट्स से आपने डीआई लिखा तो उस पर्टिकुलर टाइम में इंटरप्ट्स आएंगे, यानी इंटरप्ट्स आ सकते हैं, यस आ सकते हैं, और उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से आएंगे, बट उनका जो आईएसआर होता है यानी जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है वो वहां पे वर्क नहीं करेगा। तो जैसे ही आपका जो भी प्रोग्राम है जिसको आपने एग्जीक्यूट करने के लिए डीआई लिखा था वो रन होगा, फिर आपका ईआई हो जाएगा यानी इंटरप्ट्स इनेबल होंगे। अब जितने भी इंटरप्ट्स थे वो सारे के सारे ओपन हो गए यानी वापस एग्जीक्यूट होंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि एक ही इंटरप्ट आया होगा, जरूरी है क्या, नहीं ना, क्या पता चारों के चारों आ गए हो, तब क्या होगा। तो ये आपके सवाल जो मैंने आपको कहा था सोचने के लिए वो है जरूरी, जिसका आउटपुट मैं आपको बताती हूँ। अब लेट्स से ईआई आया, तो हमारे पास लेट्स से आरएसटी 7.5 पहले आया था, फिर 5.5 आया था, फिर INTR आया था, 6.5 आया था, बट जो हमारा प्रोसेसर है उसको उसके यूजुअल वे में ही कैच करेगा। यानी अगर सबसे पहले प्रायोरिटी है RST 7.5 की, तो सबसे पहले RST 7.5 एग्जीक्यूट होगा, फिर 6.5 होगा, फिर 5.5 होगा और फिर INTR होगा। तो इसके वजह से हमारा जो प्रोसेसर है DI और EI की वजह से एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भले ही इंटरप्ट को रन नहीं करता, पर ऐसा नहीं होता कि वो उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा है, रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। इनफैक्ट वो उसको कहीं पे मेमोरी में सेव कर रहा है कि जैसे EI एग्जीक्यूट होगा हमारे इंटरप्ट वापस वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि EI और DI से आपको क्या नुकसान होता होगा, आपके इंटरप्ट जो है वो थोड़ी देर के लिए डिले हो जाते हैं। यानी अगर लेट्स से कोई प्रायोरिटी का काम था जिसको आपने इंटरप्ट पिन पे दिया था वो तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है जबकि आपको उसको इमिडिएटली करना था, तो तब क्या होगा, आपका इंटरप्ट थोड़ी देर के लिए डिले हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये कोई एकदम ज़्यादा टाइम नहीं होता कि 1-1.5 घंटा हो गया, बट मे बी बाई फ्यू सेकेंड्स, राइट। तो ये हो सकता है। अब ये जो EI और DI है क्या इनको हमेशा यूज़ करना ज़रूरी है या कभी कभी इनसे कुछ नुकसान भी हो सकता है, यस हो सकता है। लेट्स से आप EI और DI कर रहे हैं, राइट, पर इसका फायदा और नुकसान मैं बता देती हूँ। फायदा सबसे पहले कहाँ होता है मैं बता देती हूँ। अगर आपका जो सिस्टम है उसमें जैसे मैंने बोला आपके इंटरप्ट में आपने कुछ रियल टाइम एप्लीकेशन लगा रखी थी, राइट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था और आपने EI या DI यूज किया, लेट्स से आपने DI कर दिया, डिसेबल कर दिए थे इंटरप्ट, अब लेट्स से फ्यू सेकेंड से वो जो डेटा है वो आपका एग्जीक्यूट तो हो नहीं रहा इंटरप्ट ISR का, तो EI जब तक आएगा तब तक वो डेटा डिले होगा, राइट। तो जो इंटरप्ट है उसकी वर्किंग को थोड़ा टाइम लगेगा और कभी कभी ये हो सकता है जो हमें आउटपुट उस पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। अब इसके फायदे मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स से आपके पास कोई बहुत सारे रियल टाइम एप्लीकेशन है, रियल टाइम एप्लीकेशन यानी ऑन द स्पॉट आपको डेटा चाहिए, राइट, ऑन द स्पॉट आपको टाइम नोट करना है, ऑन द स्पॉट आपको जो भी डेटा है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो तब क्या होगा, आपका जो सिस्टम है उसमें अगर इंटरप्ट आया और अचानक डिस्टर्ब कर दिया तो ISR रन करने चला गया तो रियल टाइम एप्लीकेशन डिस्टर्ब हो सकते हैं, राइट। तो उसको हम लोग किस हिसाब से रोक सकते हैं कि हम लोग अगर कोई इंटरप्ट को रोक दे यानी सारे इंटरप्ट को आप रोक के फिर अगर रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करोगे तब तो क्या होगा, आपका जो रियल टाइम एप्लीकेशन है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा और उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि वो इंटरप्ट की वजह से रुकेगा या उसका टाइम डिले हो सकता है, राइट। तो जो EI और DI है ये इस फायदे में यूज होते हैं कि कहीं पे भी आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी क्रिटिकल या रियल टाइम एप्लीकेशन है आप EI और DI की मदद से उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्मूथली रन कर सकते हैं क्योंकि आपने DI रन किया,
राइट right? तो डीआई रन करने के बाद जो भी इंटरप्ट हो गया उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तो रुक गए, तो आपका आरटीआई अच्छे से काम करेगा और फिर आप आगे जा सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है कि हम भले ही डीआई कर रहे हैं पर ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ये ट्रैप पे इम्प्लीकेशन नहीं करेगा। यानी अगर ट्रैप आया है तो वो तो एनी हाउ रन होगा, मतलब होगा। इसलिए जब आप बोलते ना अगर वायरिंग भी कर रहे हैं तो ट्रैप के ऊपर आपको हमेशा ऐसे ही इंटरप्ट को सेट करना है या ऐसी ही प्रायोरिटी लगानी है जो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आरटीआई से भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको लगाइए। ठीक है, तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हैं तो आप इसका काफी एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। अब ये जैसे मैंने लिखा डीआई, लेट्स से आपने कोई प्रोग्राम लिखा और डीआई लिखा और ईआई लिखना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो अगर आप डीआई लिखते हैं तो उसके एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के बाद, यानी जो भी आपका आरटीआई है उसके होने के बाद, आपको ईआई लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके जो इंटरप्ट्स है वो छूट जाएंगे। तो आई होप आपको जो ईआई और डीआई का है जो एक्सप्लेनेशन है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसका यूज कैसे होता है वो भी पता चल गया होगा। अगर आपको फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज नीचे एक लाइक का बटन होगा, सब्सक्राइब का बटन होगा, फटाफट से क्लिक कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स जिसको भी ये वीडियो और ये डेटा हेल्पफुल साबित हो सके। इसी के साथ अगर आप ये पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग 8085 कंप्यूटर एनी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जिससे आप बुक्स रिलेटेड डाउनलोड करना चाहते हैं, प्लीज हमारे ब्लॉग को चेक कर लीजिएगा। आपको वहां पे शायद आपकी कोई भी हेल्पफुल लिंक मिल जाए, उससे आपका भी फायदा होगा और अगर फ्रेंड्स को बताएंगे उनका भी फायदा होगा। फ्री ई बुक्स है तो आपका भी काफी अच्छा एजुकेशन में हेल्प हो सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।